असल न्यूज़ के साथ मैं मुख्तार अहमद बुलेटिन का आगाज करने से कबलिक पर। पाकिस्तान मौसम तब्दीली से मुतासरा दस ममालिक वजी आजम इमरान खान का मुल्क में दस अरब दरख लगाने के आजम का था। इस्लामाबाद में मौसमिया तब्दीली के मुतालिक ग्रीन फाइनेंसिंग तकनीब ऐसी खिताब कहा मौसमिया तब्दीली ऐसी बचाव के लिए सबको किरदार अदा करना होगा मुल्क में 18 साल से ऐसी अफराद की वैक्सीनेशन आज से शुरू होगी एनसीओसी का साल के आखिर तक 7 करोड़ शहरियों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुल्क भर में मास वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का भी फैसला मुहिम तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होगी इधर चीन से कोरोना वैक्सीन कैंट साइनों के खाम माल की एक और खेप पाकिस्तान पहुँच गयी कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी वजी असद इस्लाम आबाद में मीडिया से गुफ्तु मुल्क भर में 1700 वैक्सीनेशन सेंटर काम कर रहे हैं है। वैक्सीन ना लगाने वाले मुलाजमीन के लिए बड़ा इंतपा तनख्वाहें रोक ली जाएंगी वजी की फैसला तर्जुमानी सिंह हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं सिंध में लॉकडाउन के खात्मे के लिए योम तीन लाख अफराद की वैक्सीनेशन की जरूरत है मुल्क भर में कोरोना से मजीद बानवे अफराध इंतकाल कर गए वबा ऐसी अमवाद की तादाद इक्कीस हजार बाईस तक पहुँच गयी गुजश्ता चौबीस घंटों में कोरोना के इक्यावन हजार पाँच सौ तेईस टेस्ट किए गए दो हजार अट्ठाईस नए केसेज रिपोर्ट मुस्बत केसेस की शराब तीन अशारिया नौ तीन फीसद रही मोदी सरकार कोरोना के सामने ढेर हो गई भारत में 2,900 हजार और एक लाख हजार एक सौ पांच नए मरीज सामने आ गए इम्तिहानात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों की समाप्त तुलबा का मुस्तबिल दाव पर नहीं लगने देंगे बेंच के रिमार्क्स कोरोना की वबा दुनिया भर में एक दिन में मजीद दस हजार नौ सौ ऐसी चार लाख नब्बे हजार नए केसेस रिपोर्ट बरतानिया कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब मार्च 2020 के बाद पहला दिन जब कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई अमेरिका कैनेडा मेक्सिको में कोरोना की नई लहर का खदशा कर्ज लेने वाली पीटीआई माशी महाज पर नाकाम हो चुकी बिलावल भुट्टो की विफाकी तनकी चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं भारत बांग्लादेश अफगानिस्तान समेत पूरे जुनूबी एशिया में दस अशारिया नौ फीसद की शराह के साथ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई है आटा चोर हो या रिंग रोड हो आप चोरी करके बाहर चले जाते हैं पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तू करते हुए कहा मीडिया के खिलाफ नया ऑर्डिनेंस मनी मार्शल लॉ है नैब की हिरासत में खुर्शीद शाह को इक्कीस माह हो गए आज अदालत ने खुर्शीद शाह के अहल खाना को बुलाया हुआ है पाकिस्तान चीन और अफगानिस्तान के माबे सह अफ्रीकी बैठक आज होगी विफाकी वजी खारजा शाह महमूद कुरेशी कहते हैं पाकिस्तान की पहली तरजीह अफगानिस्तान का अमन है पाक चीन मिलकर अफगानिस्तान की तमीर नाव में अहम किरदार अदा कर सकते हैं चेयरमैन सैनेट सादिक सिंरानी ऐसी ताजिकस्तान के सदर इमाम अली रहमान की मुलाकात दो तरफा सूरत हाल रखा कारी को फरोग देने पर इतफ़ाक चेयरमैन सैनेट कहते हैं अमन सलामती तरक्की हमारा मुश्तरका वेजन है चाली पायलट से मुतालिक बयान देना हुकूमत को महंगा पड़ गया वजारत हवाबाजी ने सैनेट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया बताया छह माह में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने से पी आई ए को सात अशारिया नौ अरब का नुकसान हुआ पीटी आई सेनेटर अली मोहम्मद खान कहते हैं बी आई एस पी प्रोग्राम खत्म करने का कोई इरादा नहीं आमदनी ऐसी ज्यादा सात के एहत अदालत लाहौर ने ख्वाजा आसिफ के जुडिशियल रिमांड आरोप सत्रह जून तक तो कर दी मुल्क में बारिशों के तूफानी स्पैल ने निजामी जिंदगी धरम बरम कर दिया बारिशों के बाईस बारिश कई फसलें तबाह नशेबी इलाके जेरे आब आ गए आंधी और तेज हवाओं से दरख उखड़ गए टीम की चादरें भी उड़ गयी मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद बादल बरसने की पेश गोई की है और पी एस एल आरोप छाए गैर यकीनी के बादल छट ना सके पी सी बी खामोज फ्रेंचाइज मालकान भी कन्फ्यूजन का शिकार पी सी बी की जाने ऐसी आज शेड्यूल जारी किए जाने का इम्कान हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान कतर तक इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन और कतर के हुक्मरान खानदान के शेख अली बिन अब्दुल्ला सानी ने मुलाकात की आईएसपीआर के मुताबिक रावर पिंडे में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और अगवा अमन अमल में हालिया पेश रफ्त आरोप तबादला ख्याल किया गया दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तु हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कोटली में फील्ड ट्रेनिंग एरियाज़ का दौरा किया जहां उन्होंने कोर की सतह की तरबियती मशकों तस्कर जबल का मुशाह किया मजीद तफसी जानते हैं इस रिपोर्ट में तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इन तरबियती मशकों का मकसद फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों दिफाई और जारहाना मुख्तलिफ नौीयत के ऑपरेशनल अमली को जांचना है फौजी दस्ते और यूनिट्स दुशवार पहाड़ी इलाकों में दिफा और जारहाना मशकें कर रहे हैं आर्मी चीफ ने फौजी तैयारियों पर इजहार इतमान करते हुए कहा मुख्तलिफ मुख्तलिफसाम के खतरा से निमटने के लिए सख्त तरबियती अमल को मुसलसल जारी रखना जरूरी है ताकि वसी तनाजुर में मौसर जवाब दिया जा सके कबल अजीम कोटली पहुँचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने आर्मी चीफ का इस्कबाल किया सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी नेमा कराम से जुम्मे के अज्तम में कोरोना वैक्सीन लगवाने की खसूस तलखीन की अपील की है सदर ममलिकत का कहना था उलमा ने भी मुल्क में रजिस्टर की गई वैक्सीन और उनके इज़जा तरकीबी पर इतमान का इजहार किया है मज़ीद जानते हैं इस खसूस रिपोर्ट में इस्लामाबाद में उलमाओ मशाइक के इजलास से खिताब के दौरान सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा की माहरी सेहत वबा की रोकथाम के लिए वैक्सीन पर जोर दे रहे हैं जुम्मे के अज्तेमाल पर कोरोना वैक्सीन लगवाने की खसूस तलकिन की जाए सदर मुमलिकत का कहना था की मुल्क में रजिस्टर्ड की गई वैक्सीन और उनके अजसाय तरकीबी आरोप इतमान का इजहार किया है सदर ममलिकत ने जुमे के, के खुदबात पर भी वजाहत की और कहा की हुकूमत का कोई इरादा नहीं की मंतब खुदबात को लाजमी करार दिया जाए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कहा है कि मौजूदा दौर गैर ऐलानिया ना दिखाई देने वाली हाइब्रिड नौयत की जंग का है मौजूदा चैलेंजेस से निटने के लिए मरबूत जवाबी अख्तियार करने की जरूरत है पी के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया और वहाँ नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स की शुरा से खिताब करते हुए कहा मुसल्लाह अफवाज को मुख्तलिफ नौ के चैलेंजेस का सामना है इन चैलेंजेस से निमटने के लिए जवाबी करने की जरूरत है उन्होंने कहा की दुनिया खुदकार और नीम खुदकार का दौर देख रही है। मौजूदा दौर में लड़ी जाने वाली जंग गैर ऐलानिया न दिखने वाली हाइब्रिड नोयत की है जनरल नदीम रजा ने अफसरान को पेशा वाराना महारतें निखारने के लिए कोशिश जारी रखने की जरूरत आरोप जोर देते हुए कहा की अफसरान जदीद रुझान और नई पेशर के मुताबिक खुद को तैयार करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि तनख्वाहों की अदायगी तक के लिए कर्जे लेने वाली पी हुकूमत माशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विफाक में हुकूमती दौर की तकमील के बाद से आम आदमी की आमदनी मुसलसल कम और महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के इकदाम की वजह से सिंध में सबसे ज़्यादा फीकस आमदनी में इजाफा हुआ है मजीद तफ़ी जानते हैं इस रिपोर्ट में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान और बांग्लादेश समेत पूरे जुनूबी एशिया में दस अशारिया नौ फीसद की शराब के साथ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई है तोनाई के शोबे की शराब नियमों में बाईस फीसद से ज्याद कमी के अतराफ़ के बावजूद सनती तरक्की के दावे मज़ायका खेज़ हैं पी टी आई हुकूमत का फीकस आमदनी ज़्यादा दिखाने के लिए पुरानी मरदमशुमारी इस्तेमाल करने के झूठ का पोल खुल चुका है तनख्वाहों की अदायगी तक के लिए कर्जे लेने वाली पी टी आई हुकूमत माशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विफाक हुकूमत के पाँच साल दौर में आम आदमी की आमदनी में उनसठ फीसद इजाफा हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 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 विफाक में हुकूमती दौर तकमील के बाद से आम आदमी आमदनी मुसलसल कम और महंगाई में इजाफा हो रहा है पीपल्स पार्टी की सुबाई हुकूमत के इकदाम की, की वजह से सिंध में सबसे ज्यादा फीकस आमदनी में इजाफा हुआ है चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था की पी टी आई हुकूमत ने गंदम की रिकॉर्ड पैदावार का दावा किया और सिर्फ इस एक साल में आटा अट्ठाईस फ़ीसद महंगा हो गया आवाम गन्ने के रिकॉर्ड पैदावार के विफाकी हुकूमत के दावों पर कैसे मुतमिन हो कि सिर्फ़ इस एक साल में चीनी इक्कीस फ़ीसद महंगी हो चुकी है मुर्गी के गोश की कीमतों में एक साल के दौरान साठ फ़ीसद तक के इजाफे का फ़ायदा पी टी आई की अशराफिया ने उठाया जुनूबी वजारस्तान के इलाके कनी ग्राम में चेक पोस्ट के करीब बम धमाके में पाक फौज का अहलकार शहीद हो गया आई एस पी आर का कहना है कि पाक फौज दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरम है हमारे बहादुर फौजियों की क़ुर्बानियों से हमारे इस आजम को मजीद तकवियत मिलेगी मजीद तफी जानते हैं इस खसूस रिपोर्ट में मुल्क में आज से 18 साल से जायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ होगा एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में अब तक उन्नासी लाख तिरपन हज़ार से जायद अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल की जा चुकी है नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 3 जून से 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की, की वैक्सीनेशन का फैसला किया था जिसके लिए शहरियों को रजिस्ट्रेशन की हिदायत की गई थी आज मुल्क भर में वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले 18 साल से जायद उम्र के अफराद की, की वैक्सीनेशन शुरू की जा रही है एन के मुताबिक मुल्क भर में अब तक उनासी लाख तिरपन हजार ऐसी जायद अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल की जा चुकी है एन का कहना है की रवा बर्स मुल्क में सात करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है कोरोना वबा के बाईस मज़ीद बानवे अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 2000 से जायदे मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद तिरपन हजार है जबकि तीन हजार निन्यानवे से जायद मरीजों की हालत तश्वीशनाक है जानते हैं इस खसूस रिपोर्ट में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानब से जारी करता आदाद शुमार के मुताबिक गुजशत 24 घंटों के दौरान इक्यावन हजार पाँच सौ तेईस कोरोना टेस्ट किए गए हैं जिसके बाद मजमुई टेस्ट की तादाद एक करोड़ तैतीस लाख सड़सठ हजार नौ सौ बीस हो गई है गुजशत 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद दो हजार अट्ठाईस मुस्बत केसेज रिपोर्ट हुए हैं इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुस्दा मरीजों की तादाद नौ लाख छब्बीस हजार छह सौ पचानवे हो गई है सरकारी शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में तीन लाख बीस हजार चार सौ अट्ठासी पंजाब में तीन लाख चालीस हजार नौ सौ नवासी खैबर पख्तनख्वा में एक लाख तैंतीस हजार चार सौ पचास इस्लामाबाद में इक्यासी हजार चार सौ छियालीस चार्स। बलूचिस्तान में पच्चीस हजार तीन सौ सत्तर आजाद कश्मीर में उन्नीस हजार तीन सौ चौवालिस और गिलगित बल्दिस्तान में पाँच हजार हाँ छह सौ आठ अफराद में कोरोना वायरस की तश्स हुई है सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद तिरपन हजार निन्यानवे है जबकि तीन हजार मरीजों की हालत है चौबीस घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना मजीद बावन अफराद जहाँ बाहक हो गए हैं जिसके बाद अब इस वबा से जहाँ बाहक होने वाले अफराद की तादाद मजमू तौर पर इक्कीस हज़ार बाईस हो गई है एन सी ओ सी के मुताबिक कोरोना से एक दिन में तीन हज़ार आठ सौ नवासी मरीज सेहतियाब हुए जिसके बाद सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद आठ लाख बावन हज़ार पाँच सौ चौहत्तर हो गई है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ल्याकर शाहवानी ने बताया कि बलुचिस्तान को पिट फेडर कैनाल से सात हजार छः सौ पानी मिलना चाहिए मगर सिंध की जाने से तकरीबन छः हजार पानी मिल रहा है केयथर केनाल से 2400 हजार क्यूसिक के बजाय 1800 सौ क्यूसिक पानी मिल रहा था पिछले 10 रोज से सिंध की जानब से इन दोनों नहरों में पचपन फीसद पानी कम दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में सिंध से मोहलिक बलुचिस्तान के जरिए इलाकों में छिहत्तर हजार एकड़ पर लगी फसलें तबाह होने का खदशा है लियाकत शाहवानी का कहना था कि की बलूचिस्तान हुकूमत ने सिंध की जानब ऐसी बलूचिस्तान का पानी चोरी का मामला सिंध हुकूमत ऐसी और मुशतरक का मफादात काउंसिल में उठाने का फैसला किया है विफाक हुकूमत ने कराची में बिजली तकसीम कार निजी कंपनी के इलेक्ट्रिक को मजदीद चार सौ मेगावाट बिजली फराहम करने का फैसला कर लिया गवर्नर सिंह का कहना था कि के इलेक्ट्रिक कराची को बिलातातुल बिजली फराहमी को यकीनी बनाए बिजली के हवाले से शहरी मजीद तंग और परेशान हुए तो विफाक इंतहा इकदाम कर सकता है कराची में गैर एलानी और तवील लोड शेडिंग के हवाले ऐसी गवर्नर सिंह इमरान इसमाइल ने इस्लाबाद में विफाक वजी तो हमाद अजहर ऐसी मुलाकात की मुलाकात में के इलेक्ट्रिक के हुकाम सेक्रेटरी तो और विफाकी सेक्रेटरी फाइनेंस भी मौजूद थे इस मौके पर गवर्नर सिंह का कहना था की इलेक्ट्रिक कराची को बिला तातुल बिजली फरहमी को यकीनी बनाए उन्होंने कहा कि बिजली के हवाले से शहरी मजीद तंग और परेशान हुए तो विफाक इंतहा इकदाम कर सकता है जबकि विफाक हुकूमत ने इलेक्ट्रिक को मजीद चार सौ मेगावाट बिजली फराहम करने का फैसला किया है गवर्नर सिंह ने इलेक्ट्रिक को दस रोज में बिजली की फरहमी से मुल्ल मामला दुरुस्त करने की हिदायत की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने पाकिस्तान का दौरा किया पाकिस्तान में ताजिक सदर का इस्तकबाल शानदार तरीके से किया गया ना सिर्फ जमीन पर बल्कि फिजा में भी सदर इमाम अली रहमान का इस्तकबाल जबरदस्त तरीके से किया गया आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट ताजिक सदर का तैयारा जैसे ही पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ पाक फिजाए के नंबर 18 स्क्वाड्रन ने अपने हिफाजती हिसार में ले लिया और वहां से जे एफ सत्रह तैयारों के जरिए बाहिफाजत तैयारी को स्कॉट किया गया तर्जुमान पाक का कहना है कि फॉर्मेशन लीडर ने मोजिस मेहमान से नक ख्वाहिशात का इजहार किया ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने भी फॉर्मेशन लीडर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया वजीर अज़म इमरान खान से विफाकी वजर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मुलाकात की और कराची के हवाले से अमन अमान की रिपोर्ट पेश की वजी दाखिला ने सिंध में तीन माह की बजाय एक साल के लिए रेंजर्स तयन करने की सिफारिश कर दी वजीर दाखिला शेख रशीद की जानब से दी जाने वाली रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद वजीर आजम अजम फैसले करेंगे जबकि अंदरूनी सिंध में जराइम पेशा अफराद के मुकदमा में इंसदादी दहशत गर्दी की दिफात शामिल करने और स्पीडी कोर्स लाने की भी सिफारिश की गई है वजीर आजम इमरान खान ने विफाक की दाखिला शेख रशीद ने मुलाकात की और कराची के हवाले ऐसी अमन ओमान की रिपोर्ट पेश की जिसके मंदिर जात के मुताबिक सिंध में तीन माह के बजाय एक साल के लिए रेंजर्स तैनात करने की सिफारिश की गई है रिपोर्ट में सिंध और कराची में स्ट्रीट क्राइम आरोप तस्वीर का इजहार करते हुए कहा गया की स्ट्रीट क्राइम आरोप फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए अंदरूनी सिंध जराइम आरोप काबू पाने के लिए भी तजावीज दी गई है जिनमें कहा गया है की अंदरूनी सिंध में जराइम पेशा अफरा के मुकदमात में इंसदाद दहशत गर्दी के दिफात शामिल की जाए सिंध में मुकदमा के लिए स्पीडी कोर्ट लाने की सिफारिश के साथ सिंध हुकूमत की अतिरिक्त अम्यूनेशन की दरखास्त मंजूर करने की तजवीज भी दी गई है। शामिल करते हैं बैनरलक्ष्मी खबरें बीटीवी इंटरनेशनल में। अगवान सिक्योरिटी और का कहना है कि अमेरिका आइंदा 20 दिन में बिलग्राम एयरबेस अगवान फोर्सेस के हवाले करना शुरू कर देगा। आइए जानते हैं ये रिपोर्ट गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी अहदेदार की जानब ऐसी भी अगवान हुकाम के इस बयान की तस्दीक की गई है तहम इस हवाले ऐसी हतमी तारीख नहीं दी गयी खयाल रहे की बगराम एयरबेस अमरीकी और नेटो अफवाज के जेर इस्तेमाल रहने वाला सबसे बड़ा फौजी अड्डा भी है लंदन के हाइट पार्क में दिन दिहाड़े नौजवानों के गैंग ने एक शख्स पर चाकुओं से हमला कर दिया नौजवानों के गैंग ने शहरी को सरेआम तशद का निशाना बनाया जबकि हमले से पार्क में अफरा तफरी मच गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई लंदन के हाइट पार्क में शहरी पर चाकुओं से हमले का वाक्य मंगल की शाम पेश आया नौजवानों के गैंग ने शहरी को सरेआम तशद का निशाना बनाया जबकि हमले से पार्क में अफरा तफरी मच गई शहरी पर तशद के वाक्य की वीडियो भी सामने आ गई है दूसरी जानब अमरीका के शहर न्यूयॉर्क के चाइना टाउन में एशियाई खातून को मुक्का मार कर गिराने वाला शख्स पकड़ा गया मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम गुजश्त साल आठ बार गिरफ्तार हो चुका है शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव बीटीवी बिजनेस में वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल दो हज़ार इक्कीस से बाईस के बजट में ख़ालिज टैक्स वसूलियों का हदफ़ पाँच हज़ार आठ सौ उनतीस अरब रुपये मुकर करने का फैसला किया है दस्याब दस्तावेज़ात के मुताबिक आइंदा माली साल दो हज़ार इक्कीस से बाईस के विफाक बजट में इनकम टैक्स वसूलियों के लिए ग्रोथ का हदफ बाईस फीसद सेल्स टैक्स वसूलियों में ग्रोथ का हदफ तीस फीसद फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में ग्रोथ का हदफ उनतीस फ़ीसद जबकि कस्टम ड्यूटीज़ की मद में ग्रोथ का हदफ बारह अशारिया एक फ़ीसद मुकर करने का फैसला किया है है। विफाकी ने आइंदा माली साल 2021 से 22 का विफाकी बजट में खालिज टैक्स वसूलियों का हदफ 24 फीसद ग्रोथ के साथ पाँच अरब रुपए मुखर करने का फैसला किया है जिसमें टैक्स, वसूलियों का हदफ दो हजार एक सौ रुपए और इन टैक्सों में से सेल्स टैक्स की मद में वसूलियों का हदफ दो हजार सौ छह अरब रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में वसूलियों का हदफ तीन सौ छप्पन अरब रुपए जबकि कस्टम ड्यूटी की मद में वसूलियों का हदफ सात अरब रुपए मुकर करने का फैसला किया है दस्तिया दस्तावीजा के मुताबिक आइंदा माली साल दो हजार इक्कीस ऐसी बाईस के विफाकी बजट में इनकम टैक्स वसूलियों के लिए ग्रोथ का हदफ बाईस वसूलियों में ग्रोथ का हदफ तीस ड्यूटी की मद में ग्रोथ का हदफ फीसद जबकि कस्टम ड्यूटीज की मद में ग्रोथ का हदफ बारह अशारिया एक फीसद मुक्र करने का फैसला किया है दस्तावीजा के मुताबिक अगले माली साल के विफाकी बजट में सेल्स टैक्स वसूलियों के मुकर करदा दो हजार पाँच सौ छह अरब रुपए का हदफ हासिल करने के लिए टैक्स की मद में मजबूती तौर पर 2503 अरब 39 करोड़ रुपए वसूल करने का hedef مقرر किया गया है जबकि सर्विस पर सेल्स टैक्स वसूलियों का hedef 2 अरब 61 करोड़ रुपए مقرر करने का फैसला किया गया दस्तावेज जात में बताया गया कि अगले مالی साल के बजट में कस्टम ड्यूटी की मद में खाम वसूलियां 793 अरब अट्ठानवे करोड़ दस लाख रुपए मुतवके हैं जिसमें आठ अरब अट्ठानवे करोड़ दस लाख रुपए रिफंड और रिबेट की मदद में अदा किए जाएंगे जिसके बाद कस्टम ड्यूटी की मद में खालिद रसूलियाँ सात सौ पिछयासी अरब रुपए होंगी शामिल करते हैं दुनिया भर में होने वाली हैरत खबरें बी टीवी इन्फोरटेनमेंट में भारतीय थर और राजस्थान के मैदानी इलाके में जमीन पर खींची गई लकीरों को जब बुलंदी से देखा गया तो इन पर एक डिजाइन का गुमान हुआ और इसे जमीन पर बनाया गया सबसे बड़ा खाका या ड्राइंग कहा गया है जिसे साइंसी ज़ुबान में जियोग कहा जाता है मजीद जियोग के हवाले से आपको बताएंगे ये खूस रिपोर्ट माहरीन के मुताबिक ये मरगोला दार्पायरल ड्राॅइंग है जो भारतीय थर के इलाके बोहा और इसके इतराफ में दरिया हुई है इस तरह जुनूबी अमरीका में नास्का की लकीरों को भी इसने पीछे छोड़ दिया है में दरिया होने वाली ड्राइंग एक वसी रकबे पर फैली हुई है बूटों जानवरों और पौधों की जमीनी ड्राइंग 500 सौ कबल मसीह में काढ़ी गई थी कई वर्ष पहले फ्रांसीसी बाब और उसके बेटे कार्लो और यूहान ने गूगल अर्थ नक्शे में इसे थी सबसे पहले बोहाना में देहात में उन्हें दो तीन सात चार फिट लंबी और 650 फीट चौड़ी ड्राइंग मिली अगर यह माहरी किसी जामिया या इदारे से वापस्ता नहीं लेकिन उन्होंने कहा कि शायद ये एक साल पुरानी ड्राॅइंग है और इससे ज्यादा वो कुछ बता नहीं सके इन्ही मायरीन ने कहा कि अहम मकाम पर तीन पत्थर रखे गए हैं जो डिज़ाइन की समझ बूझ को जाहिर करते हैं बुहा के पास चार बड़ी अलामत नोट की गई हैं जिनमें से हर एक लाइन 20 इंच चौड़ी थी जुनूब मगरब एक और लकीर उभरती है जो जलेबी की तरह मरगुले खाती है और उमूदी लकीरों की जाली में ढल जाती है और उमूदी लकीरों की जाली में ढल जाती है इसके अलावा शिमाल और जुनूब मगरब में छोटी डिजाइन है लेकिन वक्त के हाथों वो मिटने के करीब है ये तमाम खदोखाल मिट्टी को खुरच कर बनाए गए हैं अगर सारी ड्राइंग्स को मिलाया जाए तो भारतीय थर में इनका रकबा दस लाख मरबा फिट बनता है अच्छी जिंदगी अच्छी सेहत की अलामत है सेहत से मुताल मालूम आपको देंगे बी सी वी हेल्थ में बुलंदफशार खून यानी हाई ब्लड प्रेशर एक आम मर्ज़ बनता जा रहा है माहरीन ब्लड प्रेशर को मामूल पर रखने वाली ऐसी अशिया तजवीज़ करते हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है आपको भी बताते हैं ये ठंडी तासीर रखने वाली अशिया कौन सी है जानते हैं इस रिपोर्ट में तिबी माहरीन के मुताबिक दही का रोजाना इस्तेमाल बुलंद फिशार खून को मामूल पर लाने में मददगार साबित होता है तहकी के मुताबिक दही में शामिल सेहत बख्श बैक्टीरिया मैदे में जाकर बुलंद फिशार खून को मामूल पर लाने में मददगार साबित होते हैं दही में पाए जाने वाले बैक्टीरिया प्रोबायोटिक के इस्तेमाल को मामूल बना लेते हैं जिससे बुलंद फुशार खून की सतह कम करने में मदद मिलती है माहरीन का कहना है की दही में पाए जाने वाला कैल्शियम प्रोटीन विटामिन बी और फोलिक एसिड बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी नहाय मुफीद है माहन के मुताबिक ब्लड प्रेशर के मरीजों को चिकनाई और नमक वाली गज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए और वर्जिश के साथ साथ सेहतमंद साथमंदाओं का इस्तेमाल करना चाहिए दही के साथ ब्लड प्रेशर में कमी के लिए अमरूद भी मुफीद ख्याल किया जाता है माहरीन का कहना है अमरूद में मौजूद अज्जा खून की रवानगी को कम करके बाह मतवाजन करने में मददगार साबित होते हैं जिससे हाई ब्लड प्रेशर से निजात हासिल करने में मदद मिलती है शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल बीटीवी एंटरटेनमेंट में हॉलीवुड या बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने की ख्वाहिश पाकिस्तान के अदाकारों में पाई जाती है लेकिन पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री से मुंसलिक अदाकार अफान वहीद एक ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने हॉलीवुड से काम की पेशकश को मुस्रत कर दिया अदाकार अफान वहीद ने इंकशाफ किया है कि उन्हें दो माह कबल हॉलीवुड से पेशकश की गई थी अफान ने बताया कि पेशकश इन्हें हॉलीवुड स्टार निकोल कैटमिन के साथ पेश की गई थी लेकिन उन्होंने इस पेशकश से मुतक़ किसी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो जानते थे कि ये किरदार नहीं निभा पाएंगे अफान वहीद ने पेशकश को मुस्तरद किए जाने से मतलब वजाहत देते हुए बताया कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो इस वक्त अपनी फिल्म की शूटिंग पर जा रहे थे अदाकार के मुताबिक हॉलीवुड को मजकूर किरदार के लिए फुटबॉल या बास्केटबॉल प्लेयर चाहिए था जो बहुत अच्छा खेल सके और वो दोनों खेलों में से किसी एक खेल के लिए भी अच्छे खिलाड़ी नहीं है उन्होंने बताया कि इस दौरान उनके पास वक्त भी नहीं था कि वो इन खेलों की तरबियत ले सकें लिहाजा बेहतर किरदार अदा न करने की वजह से फिल्म करने की जरूरत महसूस नहीं की अफान भाई ने मजीद किया कि इन्हें तीन चार साल पहले बॉलीवुड से भी पेशकश आई थी लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर की जानव से पैगाम चूंकि फेसबुक पर मौसूल हुआ था लिहाजा वो चेक नहीं कर पाए और ये पैगाम दो साल बाद पढ़ा तो सिवाय माजरत के कुछ ना कर सका पाकिस्तान के नाम पर अदाकार इमरान अब्बास शहरी जिंदगी से दूर सुकून की तलाश में निकल पड़े इमरान अब्बास इन दिनों गिलगित बल्दिस्तान की वादियों की सैर कर रहे हैं और इस हवाले से उन्होंने फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर चंद खूबसूरत की तस्वीर भी शेयर की है आइए आप ही को दी बॉलीवुड में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले अदाकार इमरान अब्बास पहली बार ड्रामा सीरियल तुम्हारे हुसैन के नाम में सबा कमर के साथ जलवागर होंगे जिसकी शूटिंग रवा साल मुकम्मल कर ली जाएगी जबकि वो हालिया दिनों में मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तुम वाले पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के इब्तदाई दो सीजन में भी काम कर चुके हैं अदाकार इमरान अब्बास इन दिनों गिलगित बल्तिस की वादियों की सैर कर रहे हैं और इस हवाले ऐसी उन्होंने फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम आरोप चंदिर की तस्वीर भी शेयर की है एक पोस्ट में अदाकार ने कुदरती मनाजिर के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा शहरी जिंदगी की हलचल से दूर असल सुकून की तलाश में कुदरत के करीब पहुंच गया हूं। एक और तस्वीर में इमरान अब्बास ने मकामी शहरियों के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा मेरा मेरे अपने। मारूफ और मॉडल ने सोशल मीडिया सारिफ के कमेंट पर इसे सख्त कर दी। सारिफ के कमेंट पर कॉमेंट आरोपी सख्त बरहम हुई और जवाब दिया कि जी हाँ मेरे हाथ और भी बड़े हैं मैं जोरदार थप्पड़ और मुक्के भी मार सकती हूँ हाल ही में अदाकारा की जानब ऐसी सोशल मीडिया के लिए सवाल और जवाब का एक सेशन मुनद किया गया जिस दौरान एक सारिफ ने अदकारा के पैरों पर कमेंट किया और कहा कि आपके पांव बहुत बड़े मर्दाना किस्म के लगते हैं सारिफ़ के कमेंट पर जारे सख्त बरहम हो गई और जवाब दिया कि जी हाँ मेरे हाथ और भी बड़े हैं मैं जोरदार थप्पड़ और मुक्के भी मार सकती हूँ बाद अकारा का जवाब सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो गया जिसे मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है सर्दी हो या गर्मी खजा हो या हो बाहर का मौसम मौसम का हवा बताएंगे बी टी वी वेदर में महकमा मौसमियात अर्ली वार्निंग सेंटर फॉर हीट वेव की जानब से पेश गोई की गई है कि जुम्मे को शहर में सुबह के वक्त बूंदा बांदी होने का इम्कान है शहर कराची में आज के दिन भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा महकमा मौसम ने बताया कि आज दिन भर के दौरान शहर का दर्जा हरारा छत्तीस डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहने का इम्कान है महकमा मौसमियात अर्ली वार्निंग सेंटर फॉर हीट वेव की जानब ऐसी पेश गोई की गई है की कल और जुमे को शहर में सुबह के वक्त बूंदाबांदी होने का इम्कान है अर्ली वार्निंग सेंटर के मुताबिक अगले तीन रोज के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रह सकता है इस दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरत चौतीस से छत्तीस डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है जबकि समंदर की जनूब मगरबी हवाएं मुतवा बहाल रह सकती हैं है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कराची में आज कम से कम दर्ज हरत उनतीस डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और 12 तक 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जुनूब मगरब ऐसी हवाएं चल रही हैं है। महकमा मौसम ने बताया की आज दोपहर के दौरान शहर का दर्ज हरत छत्तीस डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहने का इम्कान है मेहकमा मैं मौसमियात के मुताबिक सुबह और शाम के औकात में मतला जुजवी अबर आलूद रहेगा और बूंदाबांदी का भी इम्कान है न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट बी टी एन डॉट टी वी लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज बी टीवी डॉट पी के फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर बी टी वीडर स्को पी के इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टेलीविजन नेटवर्क